हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, अभी बज गए 5 और आज है तुलसी विवाह। आज तुलसी की शादी है और हमारे घर में क्या क्या बन रहा है डिश। और शाम को, रात को रहेगा तुलसी का शादी, 7-8 बजे करीब रहेगा। और उसके उससे पहले मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, शादी की तैयारी कर रही हूँ और खाना वगैरह बना रही हूँ मैं अभी। और तो गाइस, मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो रहा है और अभी लाइट नहीं जलाया है, अभी तो 5 बजे है और बाद में जलाएंगे लाइट। लाइट जलाऊंगी मैं अभी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दलिया भिगा के रख दिया है, देखिए भिगाने के लिए रख दिया है। और दलिया की खीर बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं कैबेज, और कैबेज है और ये गांठ वाला कैबेज है, इनकी सब्जी बनाऊंगी। टमाटर डालूंगी और लहसुन अदरक नहीं डालूँ मैं। और यहाँ पे मैंने काजू और बादाम भिगाए हैं, देखिए। और इस तरह के काजू लाती हूँ मैं, खीर वगैरह किसी में भी डालती हूँ ना मैं, इसी तरह काजू डालती हूँ, ये देखिए। ये मैंने आज ना मैंने ग्रीन चूड़ी पहने हैं, मैं तुलसी माता के लिए लेके आई थी और अपने हाथ में भी डाल दी मैंने। और यहाँ का मौसम आपको दिखाती हूँ मैं। और आज ना एकदम बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है देखिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं। अभी कपड़े उठाए नहीं, हवा चल रही है, सूखे नहीं है कपड़े अभी। और यहाँ का मौसम आज मतलब धूप नहीं है, सुबह से पता नहीं धूप अधिक का हो रहा मौसम, धूप नहीं आ रही है और फिर भी गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है। और तो गाइस, मच्छर वगैरह आ रहे हैं, देखिए मच्छर आ रहे हैं, मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी मेरी बेटी बाल बना रही है। और आज धूप नहीं है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और देखिए यहाँ पे पंखा चालू है, मतलब बिना पंखे के नहीं बाहर इतनी गर्मी लग रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और देखिए यहाँ पे अभी नवंबर महीना खत्म होने वाला, दिसंबर लग रहा है, फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है। गोवा में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सब जगह अभी ठंडी पड़ी है, यहाँ पर गर्मी हुई है। और तो गाइस, अभी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ क्योंकि आज जल्दी बनाना रहेगा और बाद में भी तैयार होके पूजा वगैरह करना है, शादी करेंगे तुलसी की। और यहाँ ना बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से शादी करते हैं तुलसी की, और हम लोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ही करते हैं। तो गाइस, अभी खाना वगैरह बनाते हैं फिर। तो गाइस, मैं सब्जी कट करने लगी हूँ, अच्छे से वॉश करके लाई हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अभी कट कर लूँगी। और यहाँ पे ना ये मेरे छोटे छोटे बाल आए हैं, मेरे मेडिसिन चालू था तो उसकी वजह से बहुत बाल झड़ गए थे मेरे, और इसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ अभी बालों से। तो गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ। तो गाइस, अभी मैंने साड़ी पहन लिया है और अभी मेरा खाना पीना बन गया है। और अभी मैं तुलसी की शादी कैसे कर रही हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना बहुत धूमधाम से किया जाता है। तो गाइस, अभी हम तैयारी करते हैं। तो गाइस, हम करने लगे हैं अभी पूजा। और यहाँ पे मैं सारा सामान ला गई हूँ। और यहाँ पे ना मेरे बेटे ने डाला है ये रंगोली, और देखिए अच्छा डाला है इसने भी, वो भी थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं कभी कभार। और यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहना है तुलसी माता को, बस यहाँ ऊपर चुनरी ऐसे उड़ के डाला है। और अभी आंसू पापा यहाँ पे दिया वगैरह लगा रहे हैं। और हम लोग ने ना दिवाली के लिए पूरा मतलब लाइटिंग डाला था, तब से हमने निकाला नहीं लाइटिंग। और यहाँ ना मतलब दिवाली के लिए लाइटिंग वगैरह डालते हैं उसके बाद, और ये तुलसी का भी विवाह तक रखते हैं लाइट वगैरह, और उसके बाद मतलब और 5 दिन तक रहेगा और फिर निकाल देते हैं। और गोवा में ना बहुत धूमधाम से मनाते हैं तुलसी का विवाह, बहुत धूमधाम से करते हैं। और सारे महिलाएं जाते हैं और सारे जितने भी आदमी लोग रहते हैं, और आदमी लोग बच्चे सब जाते हैं। और
और साथ ही मैंने जो बोलते हैं मतलब विवाह के बाद और इस तरह कुछ बोलते हैं मुझे इतना समझ नहीं आता है। और बहुत ही अच्छी तरह और सारे महिलाएं जाते हैं एक दूसरे को मतलब हल्दी कुमकुम लगाते हैं। और यहाँ पे भी आंटी लोग ने सब ने हमको बुलाया था, मैं भी गई थी और हमने तो नहीं बुलाया था, मुझे इतना आता नहीं, मतलब मैंने अपने तरीके से ही किया था और मुझे ज़्यादा आता नहीं इसके बारे में, तो जैसे मुझे आता था हमने बस सिंपल तरीके से पूजा वगैरह किया। और यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं और बिल्डिंग के भी आए हैं, नीचे से भी आए हैं, मेरे बेटा है, सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए अभी ये अमृता है, सब बच्चे आए खेलने के लिए। और यहाँ पर पूजा की हमारी और तैयारी चल रही है, बस हो गया सारा, हो गया है कार्यक्रम जो भी था शादी का, अभी पूजा वगैरह करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह लाइटिंग डाली है सब लोगों ने, देखिए मतलब दिवाली की जैसे मतलब बहुत धूमधाम से करते हैं, दिया वगैरह पूरे और घर के आंगन में पूरे दिया वगैरह लगाते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं यहाँ पे। और अभी हम टीका वगैरह लगा रहे हैं, हमने वहाँ पे पूजा किया था और हम लोग ना जो भी पूजा करते हैं सब लोग टीका वगैरह लगाते हैं। तो गाय शादी संपन्न हो गई है और यहाँ पे प्रसाद देने के लिए आसोपा पर नारियल तोड़े हैं और यहाँ पे हमने भोग भी लगा लिए हैं तुलसी माता को। मैंने पूरी बनाया था, खीर बनाया था और सब्जी बनाया था, चावल बनाया था और केला रखा है फल में एक, और मीठा में खीर हो गया है, बस इतना ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। और तो गाय सभी हम प्रसाद वगैरह देते हैं। तो गाइस हमारी पूजा वगैरह हो गई है, देखिए यहाँ पे, और अभी हमारा हो गया है पूजा वगैरह और यहाँ वालों का भी हुआ नहीं है। तो गाइस अभी पूजा वगैरह हो गई है, आपको दिखाऊंगी मैं कैसी की। यहाँ वालों को ना बहुत मतलब लेट हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं, मतलब सबके घर में जाके मतलब ऐसा आरती वगैरह करके आते हैं, जितने भी आदमी लोग जाते हैं, बच्चे लोग जो जो थोड़ा बड़े हैं, और इसके वजह से लेट होता है। और सारे महिला एक दूसरे के घर पे जाते हैं, हल्दी कुमकुम करते हैं, इसकी वजह से उनको लेट होता है। यहाँ ना पटाखा भी फोड़ है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी पूजा वगैरह हो गई है हमारी और अभी 9 बजने वाला है, देखिए। तो गाइस अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है और यहाँ पर मैंने पूरे किचन की सफाई कर लिया है और ये थोड़ा मैंने बाद में डाल दूंगी, और अभी पूरा किचन वगैरह साफ कर दिया है और मेरा चावल भी बच गया था, खीर भी बच गया था और पूरी पूरी और सब्जी। तो गाइस वीडियो एंड में यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।